दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास एक फ्लोटिंग विंडो है, जब भी मैं इसे क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि डायलर ओपन है तो डायलर आ गया। मैं आबार फिर से ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं अगर कुछ भी मैं चालू करना चाहते हो जैसे इधर सर्च ऑप्शन, तो सर्च ऑप्शन में क्लिक किया तो सर्च का वाले जो विंडो है ओपन हो गया कि पूरा कंप्यूटर पीसी की तरह है। अगर मैं चाहता हूँ कि फेसबुक, तो फेसबुक फिर से ओपन हो गया। इस तरह से आप हज़ारों जो विंडो ओपन कर सकते हो बस एक क्लिक में। तो कैसे मैं वो बताऊँगा। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर दिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा जो कि मैं वीडियो में बताऊँगा। वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो उसके लिए जब भी आप पहली बार वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ओपन करके कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार के जो इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना है, नीचे जो इधर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके जाना है। उसके बाद इधर देखे तो कि गैरेंट नाउ पे क्लिक कर देना है। गैरेंट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ अलाउ देना है। इस ऐप का नाम है कि फ्लोटिंग ऐप्स, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर क्लोज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बैग आ जाना है, बिल्कुल बैग आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके स्क्रीन में एक जो कि एक सिंबल आ चुका होगा जो आपको दिख रहा है, तो मैं कुछ गलत दबा दे, तो इधर देख सकते हो कुछ विंडो आ गया। तो आपको इधर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके पास बहुत सारी ऑप्शनें आ जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इधर देख सकते हो बहुत सारी ऑप्शनें आ चुका है, तो आप चाहो तो इधर यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करना होगा, अगर फ्लोटिंग विंडो में कुछ भी ऑप्शन अगर ऑन करना चाहते हो, सिंपल क्या करना है, जैसे मैं फेसबुक लाइट ऑप्शन ऑन करना चाहता हूँ तो फेसबुक लाइट ऑप्शन में क्लिक किया, उसके बाद इधर देख सकते हो जो कि ऑन हो गया। इस प्रकार से आप कुछ भी ऑन ऑफ कर सकते हो और छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और उसके बाद दोबारा उसमें क्लिक करना, उसके बाद दोबारा कैलेंडर ओपन कर देना, ठीक है, और उसको अलाउ कर देना, ठीक है, जो भी अलाउ मांगे तो अलाउ कर देना। उसके बाद दोबारा आप क्लिक करके दोबारा कंपास या चाहे जो कुछ भी आप चाहे अलाउ करके ओपन कर सकते हो। यूट्यूब वगैरह सब कुछ आप ऑन कर सकते हो, वीडियो प्लेयर कुछ भी। इसके साथ साथ आप कोई भी ऐप्स ओपन कर सकते हो या कोई भी किसी से चैट वगैरह सब कुछ कर सकते हो और सुन सकते हो, वीडियो ओपन भी कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आप जरूर ट्राई करना। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।